पल-पल। और इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना पॉजिटिव दोनों बच्चों की तीसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। इस समय ये सिरसा के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि आने वाले लॉकडाउन पर इसका सीधा असर होगा। इस नेगेटिव रिपोर्ट से हो सकता है सिरसा को ग्रीन जोन में तब्दील कर दिया जाए। सिरसा में माँ व बच्चे थे कोरोना पॉजिटिव। माँ का इलाज रोहतक के PGI में व बच्चों का इलाज चल रहा था सिरसा में। नागरिक अस्पताल में और उसके आइसोलेशन वार्ड में ये भर्ती थे। 24 घंटे बाद एक और सैंपल लेकर के भेजा जाएगा जांच के लिए। सिविल अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इसकी पूरी जानकारी भी दी। इसके बाद चौथे सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद वे किए जाएंगे रिकवर घोषित, और अगर ऐसा होता है तो ये घर जा सकेंगे। और सिरसा के लिए ये राहत भरी खबर इसलिए भी है क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो इसे 3 जोन में बांटा जाएगा, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में लॉकडाउन तो रहेगा मगर छोटे मोटे काम धंधे करने के लिए आज़ादी भी होगी, लोग पूरे प्रिकॉशन लेकर के अपने काम कर सकते हैं। हालांकि किसानों के लिए पहले ही रियायतें दी गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए जो उद्योग धंधे इन पैमानों पर खरे उतरेंगे उनको विशेष रियायत इनमें दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करेंगे उन उद्योग धंधों को इसमें रियायत दी जा सकती है। लेकिन अगर सिरसा में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं रहेगा या नहीं आएगा तो ग्रीन जोन होना तय है, क्योंकि फिलहाल सिरसा में 3 लोग पॉजिटिव थे जिसमें से दोनों बच्चों की कोरोना पॉजिटिव बच्चों की नेगेटिव रिपोर्ट आई है और अभी माँ का इलाज PGI में चल रहा है। अगर उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है तो सिरसा ग्रीन जोन में हो जाएगा। आप देख रहे हैं पल-पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। दोनों जो हमारे पास में बच्चे कोविड पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट तीसरे टाइम नेगेटिव आई है। आज फिर उनके दोबारा सैंपल भेजेंगे, अगर ये नेगेटिव आ जाती है तो बच्चों को होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। हाँ, महिला की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है, बाकी दोनों बच्चों की अगर निकाल दें तो अभी ये कह सकते हैं कि एक केस बचा है, 2 ठीक हो गए। अभी तक 80 सैंपल लिए गए हैं जिसमें से 73 की नेगेटिव है। रैंडमली सैंपल लिए जा रहे हैं अलग अलग सब डिविजन से और फ्लू लाइक सिम्टम्स के और जो जुकाम बुखार के केसेज हैं वो लिए जा रहे हैं कम्युनिटी स्प्रेड को देखने के लिए। तो वो 39 सैंपल पहले दिन लिए गए थे, कल फिर 42 सैंपल लिए गए हैं और उनको रिपोर्ट के लिए भेजा गया है, और उसकी रिपोर्ट आने के उपरांत बता पाएंगे कि कितने केस नेगेटिव या पॉजिटिव हैं।